Hello students, good morning to you all. How are you all? Fine. Okay, so students, today we are going to study subject English of class 4. Okay? Yes, so in the previous lecture we have completed after question number 7. हमने A और N वाले fill in the blanks देखी थी. Now we are moving further with the new exercise, that is question number 8. You are going to write here. New exercise से start कर रहे हैं हम लोग question number 8 से. तो first of all हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या है. Fill in the blanks with the adverbs. Now adverbs we have already learned in the grammars कि हम adverbs किसको बोलते हैं. The verb or a word which tell us something more about a verb that is known as an adverb. जो भी कोई word होता है जो हमको verb के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी देता है, right? That is known as an adverb. तो हम adverb कैसे बनाते हैं? देखो, the little boy example दिया है. Little boy looked dash at the sweets. अब आपको जो ब्रैकेट में वर्ड दिया है ना, वर्ब दिया है, तो उसका आपको एडवर्ब बनाना है. तो ये ग्रीडी दिया है. अब अगर हम इसका एडवर्ब बनाने चाहेंगे तो कैसे बनेगा? ग्रीडी, राइट? इट विल बी लाइक दिस, ग्रीडी ग्रीडी, राइट? सो अगर हमको वर्ब दिया है हम उसको एडवर्ब बना रहे हैं यहाँ पे. ओके, लाइकवाइज फर्स्ट नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं. द चिल्ड्रन सेड डैश. तो आप लोगों को फर्स्ट नंबर में ब्रैकेट में दिया है क्वाइट. तो क्वाइट क्या आप लोग बनाओगे? क्वाइटली, क्वाइट क्वाइटली. नेक्स्ट है द डॉग इज सिटिंग डैश. तो आपको दिया है लेजी, एल ए जेड वाई दिया है. तो लेजी है तो एल ए जेड आई एल वाई, लेजी, राइट? द डॉग इज सिटिंग लेजी. नेक्स्ट है फादर लुक एट मी डैश. ब्रैकेट में आपको दिया है एंग्री. जो भी वर्ड्स आपको वर्ब दिए हैं ना ब्रैकेट में उसको हमको एडवर्ब में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट? सो एंग्री है तो एंग्रीली. तो क्या होगा स्पेलिंग? ए एन जी आर आई एल वाई, एंग्री, राइट? अब देखो फोर नंबर क्या है. वी शाउटेड डैश. वी शाउटेड डैश तो ब्रैकेट में क्या है? एल ओ यू टी, लाउड. तो क्या बनेगा? एल ओ यू डी एल वाई, लाउडली, राइट? अब नेक्स्ट देखो क्या है. आई मस्ट फिनिश माई वर्क डैश. ब्रैकेट में दिया है क्विक. तो क्विक का एडवर्ब क्या बनेगा? क्विकली बन जाएगा ना, है ना? क्विक तो क्विकली. अब लिखेंगे सिक्स नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं. ग्रैंडफादर स्पोक डैश. तो ब्रैकेट में दिया है सॉफ्ट. तो स्पोक सॉफ्टली, राइट? अब देखो नेक्स्ट सेवन नंबर क्या है. द चिल्ड्रन डांस्ड डैश. तो ब्रैकेट में दिया है हैप्पी, एच ए डबल पी वाई, हैप्पी है तो हैप्पी ई का स्पेलिंग क्या होगा? आई एल वाई हो जाएगा, राइट? हैप्पी. नेक्स्ट एट नंबर में देखो क्या है. टीना हेल्ड द मेडल डैश इन हर हैंड. ब्रैकेट में दिया है प्राउड. सो व्हाट आर गोइंग टू राइट हियर? प्राउडली, proud, proudly. Next nine number है. The sun is shining dash. The sun is shining dash. तो bracket में हमको दिया है bright. तो bright का क्या हो जाएगा? Brightly. Next last number है देखो. Ten number Joy can do this sum dash. Bracket में दिया है easy. तो क्या होगा? Easy. है ना? अब देखो नेक्स्ट है क्या लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 9 में देखो कि एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई. अंडरस्टूड अप टिल दिस? आपको कुछ नहीं करना है. जो भी वर्ड ब्रैकेट में दिया है उसके पीछे हम लोग एल वाई यूज करेंगे या तो फिर आई एल वाई यूज होगा. ओके, या तो क्या लिखेंगे? एल वाई और एल इज इक्वल एट आई एल वाई. ये दो चीजें ही आपको सिर्फ इसके पीछे ऐड करनी है. इट इज एज सिंपल एज इट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या है. Fill in the blanks with the correct word from the bracket. Correct word match करना है sentence के साथ और हमको वो लिखना है. देखो, which dress will you dash for the party? अब यहाँ पे आपको दो options दिए हैं. It is given like this. देखो, wear और wear. अब आपको ये दोनों ही pronunciation same है. But ये wear का मतलब होता है कि कोई dress हम लोग पहनते हैं, पहनना, right? और ये verb का मतलब होता है कि कहाँ पे है. तो अब यहाँ पे हमको कौन सा word match हो रहा है वो देखना है. Which dress will you wear for the party?
पार्टी, तो ये वाला वेयर आएगा। क्यों? बिकॉज इसका मीनिंग क्या होता है कि जब हम ड्रेस वेयर मतलब पहनते हैं, राइट, और ये वेयर का मतलब कि हम इसको पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, सो इट इज वेयर। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस समझ में आया कि वर्ड कैसे चूज करेंगे। अब देखो नेक्स्ट, मिस्टर मेहता इज द प्रिंसिपल ऑफ अवर स्कूल। तो प्रिंसिपल दो दिए हैं यहाँ पे, एक तो है PRINCIPAL और दूसरा है दो प्रिंसिपल है। तो अब इसमें से कौन सा आएगा? ये प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जो स्कूल के प्रिंसिपल्स होते हैं, राइट, और ये प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जो रूल्स को किसी के घर के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो वो लोग फॉलो करते हैं वो। तो अभी ये कौन सा आएगा इसमें? ये वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्कूल के प्रिंसिपल की बात होगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, फोर्थ और नंबर, दिस इज द मेन डैश ऑफ द विलेज। अब यहाँ पे आपको दो रोड दिए हुए, दिस इज द मेन रोड ऑफ द विलेज। तो अब ये दो रोड है, ROAD रोड, रोड का मतलब, ये रोड का मतलब होता है कि जो रोड होता है, राइट, रोड होता है जहाँ पे बाइक चलाते हैं वो, और ये रोड का मतलब होता है कि जो रस्सी होती है ना। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये वाला, राइट, क्योंकि विलेज के रोड की बात हो रही है, तो ये रोड है। नेक्स्ट फोन नंबर है, द बर्ड सैट ऑन अ डैश ऑफ द ट्री। तो अब दो है, BOW और BOUGH है। तो बर्ड्स जो है वो ट्री के बाव, मतलब जो ब्रांचेस होते हैं उनके ऊपर बैठते हैं, तो ये बाव का मतलब होता है, मैंने समझाया था आप लोगों को इंग्लिश में, इफ यू रिमेंबर, जो हमने चैप्टर देखा था, राइट, कौन सा वाला था? एरो वाला चैप्टर था ना, एरो एंड बाव, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो जो बाव हम लोग स्ट्रिंग करते हैं ना, दैट, और ये बाव मतलब कि जो ट्रीज की ब्रांचेस होती है, दैट। ओके, तो हम यहाँ पे ये वाला यूज करें। फाइव नंबर है, यू शुड नॉट डैश द वाटर। अब यहाँ पे दो है, अभी वेस्ट और है वेस्ट। तो यहाँ पे कौन सा वाला आएगा? डोंट वेस्ट द वाटर, मतलब हमको पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। सिक्स नंबर है, गीता डैश मैनी लैंग्वेजेस। तो अब यहाँ पे अभी दो है, NOWS नोज और NOSE नोज। तो यहाँ पे नोज, यहाँ पे के है, बहुत सारे लोग इसको क्लोज प्रोनाउंसिएशन करते हैं, नो प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है ये वाला, क्योंकि यहाँ पे के जो है इट इज साइलेंट, तो इसको भी हम नो पढ़ेंगे और इसको भी नोज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है? गीता नोज मैनी लैंग्वेजेस। तो ये नोज का मतलब क्या होता है? कि जो हमारा नोज होता है, नाक होता है, राइट, तो हम ये वाला आंसर आएगा। ओके, आई हैव एक्सप्लेन यू आफ्टर 6, रेस्ट यू डू बाय योरसेल्फ इन द होमवर्क पार्ट। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड आफ्टर 10. We'll meet in the next lecture with the new exercise. Till then, bye-bye. Thank you.